हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में हेडिंग्स क्या होते हैं। उससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम HTML में हेडिंग्स को लिखते हैं। HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज। हेडिंग्स हमारे वेब पेज में टाइटल और सब टाइटल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप एक बिगनर हैं तो एक वेबसाइट के पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक वेब पेज है, इसमें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारा हेडिंग है। अगर मैं इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँ तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा सब हेडिंग है। ऐसे ही एक वेबसाइट में हेडिंग्स का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जब हम हेडिंग्स और सब टाइटल्स देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि HTML में हेडिंग्स को लिखते कैसे हैं। HTML में हेडिंग H1 से लेकर H6 तक होते हैं। जैसे हम आज यहाँ देख सकते हैं कि ये H1 से लेकर H6 तक होते हैं। जब भी हम किसी टैग को HTML में लिखते हैं तो उसमें लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल का हम यूज करते हैं, ठीक है। जब हम किसी टैग को क्लोज करते हैं तो उसके लिए स्लैश, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल का ही हम यूज़ करते हैं। अगर मैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करूं तो यहां आप देख सकते हैं जो हमारा H1 टैग है वो क्या है, सबसे बड़ा है, और H2 हमारा उससे छोटा है। जैसे जैसे हेडिंग्स का साइज इंक्रीमेंट होता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा फॉन्ट साइज है वो स्मॉल होता जाएगा। जब भी हम एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो उसमें हेडिंग्स का एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होता है SEO के लिए। किसी भी वेब पेज में सिर्फ हम एक ही H1 हेडिंग यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम जो H2, H3, H4 जो हेडिंग्स होते हैं उन्हें मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको SEO के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप HTML को सीख लिए, उसके बाद ये सारे टर्म्स को सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यही ध्यान दीजिए कि हम कैसे HTML का यूज़ करके किसी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, बट ये आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि HTML में हेडिंग्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पैराग्राफ टैग क्या होता है HTML में। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूँगी। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।